नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो उपस्थित हुए हैं बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के कई ज़िलों के लिए बड़ी भयंकर चेतावनी जारी हुई है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्या खबर रहेगी पूरी जानकारी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो हिमाचल के 5 ज़िलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी। अगस्त में सामान्य से 10% ज़्यादा बादल बरसे। सिरमौर में नॉर्मल से 85% अधिक बारिश। हिमाचल प्रदेश के 5 ज़िलों में आज बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। यह अलर्ट चंबा, मंडी, शिमला, सिरमौर और कांगड़ा ज़िलों के लिए दिया गया है। इन ज़िलों में कहीं कहीं फ्लैश फ्लड से तबाही और लैंडस्लाइड हो सकता है। वहीं मौसम विभाग ने आज लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी सभी 11 ज़िलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कल से 2 दिन तक कुछ ज़िलों में मानसून कमज़ोर रहेगा। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू और मंडी में 17 और 18 अगस्त को मौसम साफ रहने का अनुमान है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में पूरे मानसून सीजन में सामान्य से 23% कम बारिश हुई है, मगर अगस्त महीने में मानसून ने अच्छी रफ्तार पकड़ी है। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 15 अगस्त तक सामान्य से 10% ज़्यादा बारिश हुई है। इस अवधि में सामान्य बारिश 147.9 मिलीमीटर होती है, लेकिन इस बार 162.1 मिलीमीटर बादल बरसे हैं। सिरमौर ज़िला में सामान्य से 85% अधिक और शिमला ज़िला में 57% ज़्यादा बादल बरसे हैं। मंडी में सामान्य से 32% ज़्यादा यानी 306.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि इस अवधि में 231.7 मिलीमीटर बारिश सामान्य होती है। कांगड़ा ज़िला में सामान्य से 28% ज़्यादा बारिश हुई है। दूसरी तरफ प्रदेश में बीते 4 से 5 दिनों के दौरान हुई बारिश से 115 सड़कें बंद पड़ी हैं। भारी बारिश के कारण 1085 करोड़ रुपए की सरकारी व निजी संपत्ति तबाह हो चुकी है। तो ये रही बड़ी खबर की। हिमाचल प्रदेश के 5 ज़िलों में आज फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी हुई है। तो ये रही बड़ी खबर। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।